हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर चुका हूं गाइस, रेडमी नोट 10S फ़ोन के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला गाइस वो है ब्लूटूथ सेटिंग के बारे में। आज अपन बात करेंगे तो मैं को बताऊंगा आज की वीडियो में आप अपन को जो है अपने फ़ोन में ब्लूटूथ को जो है गाइस पैरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आपको जो है पूरा वीडियो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ आज की वीडियो में। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते फ़ोन की सेटिंग में जो बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। सिंपली आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग ऑन करना है एंड आपको यहाँ पे देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ से गाइज आपको अगर ब्लूटूथ आपका जो है अपने फ़ोन में पेयरिंग नहीं कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करना है, तो आपको यहाँ पे देखिए एडिशन सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे आपको देखिए पेयर कंपेटिबल डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपके फ़ोन में अगर ये सेटिंग ऑन नहीं है तो सिंपली गाइज आपको यहाँ से देखिए ऑन कर लेना है अपने फ़ोन की पेयर कंपेटिबल डिवाइस को। और यहाँ पे आपको देखिए ब्लूटूथ ब्लॉक लिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइज। तो गाइज़ ये थी आज की अपनी पेयरिंग प्रॉब्लम सॉल्व सेटिंग। तो गाइज़ आपकी जो पेयरिंग प्रॉब्लम मेरे को लगता है यहाँ से आपके सॉल्व हो जाएगी, कोई इसके बाद दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है गाइज। सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।